अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। और वीडियो के आगाज़ में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको मिलता रहे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है QR कोड। ये आपको यहाँ पर QR कोड नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पर तो ये QR कोड मुझे ऐसा नज़र आता है। अच्छा, इसमें चूँकि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बुनियादी तौर पर इसको स्कैन किया जाता है मोबाइल से और आपका मोबाइल इस मशीन के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसको इसलिए ये दो कोड्स हैं, ये कोड जो है ये एप्लीकेशन का है और ये कोड मशीन का है। इसको जब आप सर्च करेंगे तो ये आप मशीन में जो के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, इस QR कोड को सस्टेन करने के लिए, वर्किंग में लाने के लिए इसकी बैक पे जो एक सेटिंग काम करती है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ IP एड्रेसेस होते हैं, वो IP एड्रेस कहाँ पर है मैंने शायद पहले भी आपको कुछ वीडियोस में बताया था कि जब हम यहाँ पर जाते हैं तो ये एडमिन के साथ पासवर्ड 1111 फोर टाइम्स 1 इंटर करते हैं तो हमें ये देखें, तो हमें ये आपको टूल नज़र आ रहा है, ये देखें इसके साथ ये आपको IP एड्रेस नज़र आ रहा है। इस IP एड्रेस के थ्रू, ये वाइट IP एड्रेस है, तो इस IP एड्रेस के ज़रिए से आपका मोबाइल इस मशीन के साथ कनेक्ट होता है। और इसके लिए जो आपको सेटिंग इसमें करनी पड़ती है वो जो मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, लेकिन उसमें मैंने आपको QR कोड का भी नहीं बताया था कि ये यहाँ पर नेटवर्क में जाकर ये देखें, ये आपको IP4 एड्रेस या TCP IP एड्रेस इसको कहते हैं, ये नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके साथ नीचे नेटवर्क लॉग है वगैरह, तो इसको हम यूज़ करेंगे। यूज़ करके हम इस डिवाइस को वाया मोबाइल कनेक्ट करेंगे। और साथ में एक आपके लिए इंफॉर्मेशन भी है कि चूंकि सुनने में तो आया है, अब मुझे ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन मैंने सुना है कहीं पे एक जगह एक आर्टिकल भी मैंने पढ़ा है कि अब जो इस ज़ेरॉक्स की जो ऐप है जिसके ज़रिए से हम प्रिंट ले रहे, उसमें उन्होंने सर्टिफिकेट का एरर डालकर उस पे बैन कर दिया है, तो लिहाजा अब वो यूटिलाइज़ नहीं हो सकता, वो उसके लिए पेड वर्जन की बात कर रहे हैं। ये तो मैंने सुना है, आज इस पर थोड़ी सी तहकीक करूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा, लेकिन खैर उसका भी हल है इंशाल्लाह, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि उसके लिए हम कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करके तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।